हेलो फ्रेंड्स, वंदे मातरम टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग एक नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं और ये बैच बहुत ही स्पेशल बैच, ठीक है। तो सबसे पहले जो साथी हमारे साथ नए जुड़े हैं, फुल स्टडी बैंकर्स हमारा टेलीग्राम चैनल है भाई, इसको सब लोग सब्सक्राइब कर लेना। कोई भी अपडेट होती है वो हम इसी चैनल के माध्यम से ही देते हैं, अदरवाइज आपको पता नहीं लगेगा कोई भी अपडेट है। तो जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है फुल स्टडी बैंकर्स टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। अगर आपको नहीं मिल रहा तो आप उस लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब बैच के बारे में बात करें तो आप लोगों की काफी सारी डिमांड आ रही थी, बहुत सारे साथी बोल रहे थे कि सर नया बैच स्टार्ट करवाइए सब स्टार्ट टू क्लेरिकल। तो ये बैच मैं सब स्टार्ट टू क्लेरिकल के लिए ही लेके आया हूँ और एकदम स्पेशल बैच है। अब जो बैच इवनिंग में चल रहा था जिसमें ऑलरेडी हम 50 क्लासेज कर चुके हैं, ये बैच किसी भी टाइप से उस बैच का सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये बात मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं चीजें हैं वो थोड़े बेसिक लेवल की पढ़ाऊंगा, ठीक है। वहां पे मैंने कंप्लीट चीजें पढ़ाई है, बेसिक टू एडवांस काफी डेप्थ में वो बैच मैंने करवाया है। यहाँ पे सब स्टाफ के लिए जितना रिक्वायरमेंट है, जितना जरूरी है, सिर्फ मैं वही चीजें पढ़ा रहा हूँ। किसी को अगर डिटेल में पढ़ना है तो इवनिंग वाला बैच पढ़ें, वहां पे सब चीजें आपको मिल जाएगी। बाकी सब स्टाफ टू क्लेरिकल के लिए ये बिल्कुल एनफ रहेगा और वहां पे किसी ने पढ़ा है तो उसके लिए मोर देन सफिशियंट है, उनको इस बैच में पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। अगर फिर भी कोई पढ़ना चाहता है तो यहाँ पे मैंने कुछ चीजें एक्स्ट्रा रखी है इस बैच में। कंसेप्ट भी मैं करवाऊंगा आप लोगों को, प्लस क्वेश्चन भी करवाऊंगा। कंसेप्ट प्लस क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन ये बैच रहेगा। इसमें मैं आपको डेली जो क्लास करवाऊंगा उस क्लास पे बेस्ट 10 से 15 क्वेश्चंस भी करवाऊंगा और ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस बैच में कंसेप्ट प्लस क्वेश्चंस चलेंगे, ठीक है। कंसेप्ट भी होगा आपका, यहाँ पे क्वेश्चन भी होंगे। आज पहली क्लास है, पहली क्लास में अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स इस टाइप का रहता है कि आगे क्लासेज करवानी चाहिए, तब तो मैं इस बैच को कंटिन्यू करूंगा। अदरवाइज मुझे लगा कि आप लोगों का रिस्पॉन्स ठीक नहीं है, नहीं पढ़ना चाहते, तो टाइम वेस्ट का कोई मतलब नहीं, ठीक है। मेरा काफी टाइम जाता है यार इन बैच में और मैं आप लोगों के लिए ही कर रहा हूँ। आप लोग अगर पढ़ने की इच्छुक हो तो मैं इनको कंटिन्यू करूंगा, अदरवाइज मैं कंटिन्यू नहीं करूँ। तो ये हमारी पहली क्लास है, ठीक है। चलिए क्लास वन, आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, हम लोग पीएम सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स और एनपीएस के बारे में पढ़ेंगे। अब आज की क्लास में पहले मैं आपको कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन करूंगा। कंसेप्ट प्लस क्वेश्चन इस क्लास को आप लोग पढ़ें, फिर एनालाइज करें आप लोगों के लिए कितना बेनिफिशियल है, उसके हिसाब से हम आगे कंटिन्यू करें। गॉट इट। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पीएम सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स कौन सी होती है, जो ट्रिपल एस स्कीम्स हम बोलते हैं, ट्रिपल एस स्कीम्स जो बोलते हैं। तो ट्रिपल एस का मतलब क्या होता है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम। सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जिसको पीएमजेजेबीवाई बोला जाता है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जिसको पीएमएसबीवाई बोला जाता है, उसके बाद आती है अटल पेंशन योजना एपीवाई। तो ये तीन टाइप की सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं, वो हम बैंक के माध्यम से करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं वन बाई वन तीनों के बारे में। पीएमजेजेबीवाई के बारे में हम बात करें, कौन एलिजिबल है पीएमजेजेबीवाई में, ऑल इंडिविजुअल बैंक अकाउंट होल्डर्स इन द एज ऑफ 18 to 50 years, 18 से 50 साल की एज के सारे बैंक अकाउंट होल्डर्स हैं वो पीएमजेजेबीवाई के लिए एलिजिबल होते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट बैंक के हों, चाहे वो प्राइवेट बैंक के हों, चाहे वो आरआरबी के हों, किसी भी बैंक के अगर वो कस्टमर हैं, 18 से 50 साल उनकी एज है, तो वो पीएमजेजेबीवाई का बेनिफिट ले सकते हैं। नंबर वन, द कवर शैल बी फ्रॉम द वन ईयर पीरियड स्ट्रेचिंग फ्रॉम 1 June to 31 May। अब जो प्रीमियम कस्टमर पे करता है वो रहता है 1 June to 31 May का, ठीक है। याद रखें कि फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग नहीं चलता, 1 April to 31 March का नहीं होता है, ठीक है। जो पीएमजेजेबीवाई का कवर चलता है वो चलता है 1 June to 31 May तक। गोट इट। रुपए 2 lakh इज पेबल ऑन मेंबर्स डेथ ड्यू टू एनी रीजन। अगर किसी भी कारण से पीएमजेजेबीवाई अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो 2 lakh रुपए का इंश्योरेंस यहां पे मिलता है, ठीक। 2 lakh रुपए का इंश्योरेंस कवर मिलता है। प्रीमियम की हम बात करें, प्रीमियम पहले 330 रुपए होता था, अब पीएमजेजेबीवाई का प्रीमियम है वो है 436 रुपए। गोट इट। चारों पॉइंट आ गए समझ में। चलिए नेक्स्ट यहां पे देखिए, अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट आता है पीएमएसबीवाई, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में कौन एलिजिबल होते हैं,
ऑल इंडिविजुअल बैंक अकाउंट होल्डर इन द एज 18 टू 70 ईयर्स इन पार्टिसिपेटिंग बैंक्स विल एंटाइटल टू ज्वाइन। 18 से 70 साल की एज के सभी कस्टमर हैं वो PMSBY ज्वाइन कर सकते हैं। गॉट इट? नंबर वन पॉइंट। नंबर टू पॉइंट की हम यहाँ पे बात करें, द कवर शैल बी फॉर द वन ईयर पीरियड स्ट्रेचिंग 1 जून to 31 मई। जो कवर रहता है, प्रीमियम पे किया जाता है, वो रहता है 1 जून से लेकर के 31 मई तक का। एक बार में कस्टमर यहाँ पे प्रीमियम पे करता है। गॉट इट? थर्ड पॉइंट, सम इंश्योर्ड ऑन डेथ रुपए 2 लाख, डेथ पे 2 लाख रुपए का प्रीमियम रहता है, ठीक है। उसके अलावा नंबर फोर पॉइंट, टोटल एंड इरिवोकेबल लॉस ऑफ बोथ आईज और लॉस ऑफ यूज ऑफ बोथ हैंड्स और फीट रुपए 2 लाख। टोटल लॉस या फिर इरिवोकेबल लॉस, इरिवोकेबल लॉस का मतलब क्या हुआ, इस टाइप से लॉस हो गया कि रिवोक नहीं किया जा सकता, वापिस नहीं आ सकते। जैसे किसी की दोनों आंख फूट गई है, ठीक है, जैसे किसी के दोनों पैर टूट गए हैं और वो वापिस रिकवर नहीं हो सकते, वो वापिस अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकता, इस टाइप की सिचुएशन आती है तो फिर यहाँ पे 2 लाख का प्रीमियम रहता है, ठीक है। ये है टोटल और इरिवोकेबल लॉस। नंबर फाइव पॉइंट, अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, टोटल एंड इरिवोकेबल लॉस ऑफ साइट ऑफ वन आई, अब एक आई या फिर यूज ऑफ वन हैंड या फिर यूज ऑफ वन फुट, देन रुपए 1 लाख, इसको बोला जाता है पार्शियल डिसेबिलिटी। तो पार्शियल डिसेबिलिटी का केस, यानी किसी का एक हाथ टोटल इरिवोकेबल हो गया, ठीक नहीं हो सकता, एक आंख हो गई है या फिर एक पैर हो गया है, इस टाइप से अगर पार्शियल डिसेबिलिटी हम इसको बोलें तो पार्शियल डिसेबिलिटी में 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस रहेगा। फुल डिसेबिलिटी यानी टोटल और इरिवोकेबल लॉस में 2 लाख रुपए रहेगा, पार्शियल में रहेगा 1 लाख रुपए। गॉट इट? नंबर सिक्स पॉइंट, प्रीमियम रुपए 20 पर एनम पर मेंबर, ठीक है। प्रीमियम कितना रहता है, एक मेंबर के लिए 20 रुपए रहता है। अब बोलोगे कि सर एक मेंबर के लिए 20 रुपए रहता है तो मेंबर तो एक ही होता है, एक ही नहीं, ज्वाइंट अकाउंट होल्डर होते हैं तो ज्वाइंट अकाउंट होल्डर हैं वहां पे ज्वाइंट अकाउंट में भी PMSBY किया जा सकता है। वहां पे फर्स्ट अकाउंट होल्डर है उसका 20 रुपए प्रीमियम अलग से कटेगा, सेकंड अकाउंट होल्डर है उसका 20 रुपए प्रीमियम अलग से कटेगा, ठीक है। पर मेंबर का 20 रुपए प्रीमियम होता है, कहने की बात ये। गॉट इट? यहां तक सभी को क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम बात करें यहां पे प्रीमियम का विभाजन किस टाइप से होता है, ठीक है। ये आप याद रखना चाहो तो रख सकते हो, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि इस टाइप के इतने डेप्थ में क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आपके सीनियर्स में तो ये पूछे जाते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा इसको ध्यान में रखें। अब अगर प्रीमियम की यहाँ पे हम बात करें PMJJBY के केस में, इंश्योरेंस कंपनी को जून से, मैंने बताया जून से मई तक 436 रुपये प्रीमियम लगेगा, ठीक है, पूरा 12 महीने का। उसके बाद सितंबर से मई तक, मतलब 9 महीने का प्रीमियम लगेगा 342 रुपये। किसी ने सितंबर में ज्वाइन किया है तो उसके 342 रुपये लगेंगे, अगर अक्टूबर में ज्वाइन किया है तो भी 342 रुपये ही लगेंगे। मतलब ये क्वार्टर बनाया गया है सितंबर से मई, दिसंबर से मई, मतलब 6 महीने के लिए किसी ने ज्वाइन किया है, मतलब ये टाइम पीरियड चला गया, कोई यहां पे दिसंबर में ज्वाइन कर रहा है तो उसके लगेंगे 228 रुपये, और मार्च से मई मतलब 3 महीने के लिए ज्वाइन किया है तो लगेंगे 114 रुपये। अब कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ना जिनको मतलब इस चीज से मतलब नहीं है, मैं क्या बता रहा हूं, वो पूछते हैं बीच बीच में, पता नहीं उनको क्या आदत होती है कि मैंने अप्रैल में ज्वाइन कर लिया, मैंने जनवरी में ज्वाइन कर लिया, ये क्वार्टर मैंने बता दिया, उसके बाद अलग अलग बताने की रिक्वायरमेंट है क्या कहाँ पे? इससे चार टाइप से ही प्रीमियम लगता है, 436 रुपये, 342 रुपये, 228 रुपये, 114। गॉट इट? चलिए अब इसमें से इंश्योरेंस कंपनी को कितना मिलेगा, पूरा 12 महीने के लिए अगर ज्वाइन किया है तो इंश्योरेंस कंपनी को 395 मिलेगा, 9 महीने में इंश्योरेंस कंपनी को 309 मिलेगा, 6 महीने में 206 मिलेगा और 3 महीने में 103 मिलेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस बैंक्स के लिए पूरा 12 महीने का रहेगा 11 रुपये, ठीक है, 9 महीने का 10.5 रुपये रहेगा, 6 महीने का 7 रुपये रहेगा और 3 महीने का रहेगा 3.5 रुपये, ठीक है, 3.5 और 3.5 7 और 3.5 10.5 और टोटल है तो 11 रुपये। गॉट इट? अब बीसी एजेंट करते हैं तो बीसी एजेंट का कमीशन कितना रहता है, अगर पूरा 12 महीने के लिए बीसी एजेंट ने PMJJBY किया है तो उसको 30 रुपये का कमीशन मिलेगा, 9 महीने के लिए किया है 22.5 रुपये का मिलेगा और 6 महीने के लिए किया है 15 रुपये का मिलेगा, उसके अलावा 3 महीने के लिए किया है तो 7.5 रुपये। तो इस टाइप से PMJJBY में प्रीमियम का विभाजन होता है। अगर PMSBY की हम बात करें तो इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस प्रीमियम पेएबल टू इंश्योरेंस कंपनीज रुपए 20 पर एनम पर मेंबर, इंश्योरेंस कंपनी को मिलेगा 20 रुपए
प्रति मेंबर के हिसाब से। कमीशन पेबल टू बीसी, बीसी एजेंट ने किया है तो बीसी एजेंट को मिलेगा ₹1 पर मेंबर के हिसाब से, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस मतलब पार्टिसिपेटिंग बैंक की हम बात करें तो बैंक को मिलेगा ₹1 पर एनम पर मेंबर के हिसाब से। अब आपको ये इससे विभाजन नहीं करना कि इस 20 में से एक इसको दे दिया एक इसको दे दिया, ये ₹20 यहाँ पे पूरा मिलेगा। सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स है, गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है, ये कमीशन आता है गवर्नमेंट के बिहाफ पे, गॉट इट। तो आपको इसके बारे में चिंता नहीं करनी, यहां तक क्लियर है सभी को। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट यहाँ पे आता है थर्ड ट्रिपल एस स्कीम, अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना कौन ज्वाइन कर सकता है, जिनकी एज 18 साल से 40 साल के बीच में, ठीक है, 18 से 40 साल की एज वाले अकाउंट होल्डर हैं, वो पीएम एपीवाई है, वो ज्वाइन कर सकते हैं। एपीवाई में फिक्स्ड पेंशन मिलती है, कितनी मिलती है, ₹1,000 से ₹5,000 के बीच, ठीक है, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 और ₹5,000 के रूप में अटल पेंशन योजना में पेंशन मिलती है। अब पेंशन का जो प्रीमियम होता है वो प्रीमियम डिपेंड करता है सब्सक्राइबर की एज और अमाउंट ऑफ पेंशन पे, कितने रुपए की पेंशन वो चाहता है 60 साल की उम्र के बाद, ठीक है, और उसकी प्रेजेंट एज कितनी है, तो उसके हिसाब से सबका प्रीमियम अलग अलग बनता है। मेनली टारगेटेड एट अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स, ठीक है, तो जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स हैं, वर्कर्स हैं, उनको टारगेट करके एपीवाई लाई गई थी, गॉट इट। सब्सक्राइबर्स कैन मेक कंट्रीब्यूशन टू एपीवाई ऑन मंथली क्वार्टरली हाफ ईयरली बेसिस। अब कंट्रीब्यूशन किस हिसाब से दिया जा सकता है, अगर यहाँ पे कोई कंट्रीब्यूशन मंथली करवाना चाहता है मंथली भी डिडक्ट करवा सकता है, क्वार्टरली भी करवा सकता है, और हाफ ईयरली बेसिस पे भी एपीवाई का कंट्रीब्यूशन हो सकता है, ठीक है। तो ये कंट्रीब्यूशन के टाइप रहे, यहां तक सभी को क्लियर। चलिए नेक्स्ट यहां पे देखिए एपीवाई के बारे में, गारंटीड मिनिमम पेंशन अमाउंट, कितना मिनिमम पेंशन अमाउंट मिलेगा, मिनिमम पेंशन अमाउंट ₹1,000 पर मंथ और ₹2,000, ₹3,000, ₹4,000 और ₹5,000 पर मंथ कब मिलेगा, आफ्टर द एज ऑफ 60 इयर्स अंटिल द डेथ। अकाउंट होल्डर की 60 साल की एज के बाद से लेकर के जब तक उसकी डेथ होती है तब तक जो पेंशन प्लान उसने सिलेक्ट किया था उस पेंशन प्लान के हिसाब से यहां पे अमाउंट मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट यहां पे गवर्नमेंट ने एक इंपॉर्टेंट चीज बताई थी, क्या बताई थी, 1 अक्टूबर 2022 को गवर्नमेंट ने बताया एनी सिटीजन हु इज और हैज बीन एन इनकम टैक्स पेयर शैल नॉट एलिजिबल टू जॉइन एपीवाई। एपीवाई लाया गया था अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए, लेबर टाइप्स के वर्कर्स जो डेली डे टू डे अपना काम चलाते हैं उनके लिए लाया गया था, जो सेक्टर्स ऑर्गेनाइज्ड नहीं है उनके लिए लेके आया गया था। तो जो इनकम टैक्स पेयर्स हैं वो ऑलरेडी सक्षम है तो उनके लिए एपीवाई नहीं है, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट यहां पे देखिए, अब कमीशन इनकम मिलता है बैंक को कुछ वर्क करने का। अब कमीशन इनकम कितना मिलता है, जैसे गवर्नमेंट बिजनेस पीपीएफ सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, एसएससी है, इनके लिए बैंक को फिक्स्ड इनकम मिलती है यहाँ पे, जिसको कमीशन इनकम बोला जाता है। रिसिप्ट के केस की हम बात करें, फिजिकल ₹40 पर ट्रांजेक्शन, एक ट्रांजेक्शन की ₹40 यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। रिसिप्ट अगर इलेक्ट्रॉनिक मोड में है तो बैंक को मिलेगा ₹9 पर ट्रांजेक्शन। पेंशन की हम बात करें, पेंशन में मिलेगा ₹75 पर ट्रांजेक्शन, ठीक है। पेंशन पेमेंट में बैंक को कमीशन मिलेगा ₹75 पर ट्रांजेक्शन। और अदर पेमेंट्स है, ये पेंशन पेमेंट की बात करें यहाँ पे, सिर्फ रिसिप्ट की नहीं कर रहे, पेंशन पेमेंट की बात कर रहे हैं। अदर पेमेंट की हम बात करें तो 6.5 पैसे मिलेंगे ₹100 पे, ठीक है, ₹100 पे 6.5 पैसे मिलेंगे, 6.5 पैसे पर ₹100 turnover ये मिलेगा अदर पेमेंट्स पे। तो इस टाइप से कमीशन इनकम यहाँ पे मिलती है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करें एनपीएस की, तो सबसे पहले एनपीएस के बारे में एक चीज याद रखें, टैक्स बेनिफिट अंडर सेक्शन 80 सीसीडी 1 ऑफ द इनकम टैक्स विद इन द ओवरऑल सीलिंग ऑफ ₹1.5 लाख अंडर सेक्शन 80 सी ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। अब कई बार पूछ लिया जाता है एनपीएस में जो अमाउंट लगाया है वो 80 सी का सब सेक्शन है 80 सीसीडी 1, 80 सीसीडी 1, 80 सी की ओवरऑल लिमिट होती है यहाँ पे टैक्स बेनिफिट लेने के लिए ₹1.5 लाख। तो उसके अंतर्गत 80 सीसीडी 1 में टैक्स बेनिफिट मिलेगा जिसने एनपीएस को ज्वाइन किया, गॉट इट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड एनपीएस फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ज्वाइनिंग सर्विसेज विद द पिट्री फ्रॉम जून 1 जून 2004 टू 1 मई 2009 ऑन वॉलंटरी बेसिस एनपीएस वाज मेड अवेलेबल फॉर ऑल सिटीजंस ऑफ इंडिया। अब ये मैंने पहले वाले बैच में पढ़ाया था, तो कुछ लोग अजीब टाइप्स के क्वेश्चंस करते हैं,
अब यहां पे क्या था, ये बताया गया सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि एनपीएस है जिन्होंने 1 जनवरी 2004 के बाद से जिन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट में ज्वाइन किया है उन सभी के लिए एनपीएस है वो यहां पे कंपलसरी रहेगा, ठीक है। ऑन वॉलंटरी बेसिस एनपीएस वाज मेड अवेलेबल फॉर ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया, और अदर जो सिटीजन है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अलावा एनपीएस को कोई भी ज्वाइन कर सकता है। एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम होता है, इसको कोई भी ज्वाइन कर सकता है। और अदर जो लोग हैं, 1 मई 2009 से बताया गया कि जो अदर लोग हैं वो वॉलंटरी बेसिस पे एनपीएस को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए ज्वाइनिंग सर्विसेज जिनकी 1 जनवरी 2004 से, उन सभी को एनपीएस ज्वाइन करना ही करना है। उसके अलावा जो अदर सिटीजन्स हैं इंडिया के वो एनपीएस को वॉलंटरी बेसिस पे चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। एनी इंडिविजुअल सिटीजन्स ऑफ इंडिया बोथ रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट इन द एज ग्रुप ऑफ 80 to 70 years एज ऑन द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एनपीएस एप्लीकेशन कैन ज्वाइन एनपीएस। अब जो इंडियन रेजिडेंट्स या फिर नॉन रेजिडेंट्स हैं 18 से 70 साल जिनकी एज है वो एनपीएस को ज्वाइन कर सकते हैं, गॉट इट। नेक्स्ट यहां पे आता है PFRDA was creating as regulator for pensioner sector. Pension Fund and Regulatory Development Authority है वो यहाँ पे NPS के लिए regulatory body रहेगी, ठीक है। यहाँ पे PRAN number issued to subscriber, subscriber को एक PRAN number जिसको permanent account number बोला जाता है, permanent retired account number बोला जाता है, तो PRAN number issue होता है, ठीक है। तो PRAN number से यहाँ पे pension का disbursement होता है। NPS is based on personal retirement account PRA created for individual members, tier first account pension account and tier second investment account. अब NPS में दो टाइप के अकाउंट होते हैं, tier first account होता है वो pension account होता है जो compulsory होता है, tier second account यहाँ पे कोई open करना चाहे तो investment के लिए यहाँ पे tier second account को on यहाँ पे कोई भी open कर सकता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे investment के purpose से ये अच्छा इसलिए रहता है कि यहाँ पे जो रिटर्न मिलता है वो अच्छा मिलता है, तो एनपीएस के हिसाब से, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कोई टीए सेकंड अकाउंट में ज्वाइन कर सकता है, लेकिन डायरेक्टली टीए सेकंड अकाउंट में कोई ज्वाइन नहीं कर सकता। टीए सेकंड अकाउंट में ज्वाइन करने के लिए टीयर फर्स्ट अकाउंट होना जरूरी है, टीयर फर्स्ट अकाउंट होगा तभी टीए सेकंड अकाउंट में अमाउंट लगाया जा सकता है। एनपीएस एक्ट्रेट सेविंग्स इनटू सब्सक्राइबर्स पीआरए व्हाइल ही इज वर्किंग एंड यूज द एक्युमुलेशंस ऑन रिटायरमेंट टू प्रोक्योर पेंशन फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, ठीक है। रिटायरमेंट से, रिटायरमेंट के बाद यहाँ पे पेंशन मिलना स्टार्ट होती है। अब एज ग्रुप की में हम बात करें तो एज ग्रुप में जनरली हम एज ग्रुप में तीन एज ग्रुप में लोगों को यहाँ पे डिवाइड करते हैं, एज 0 से 18, एज 18 से 60 और उसके बाद 60 साल से ऊपर, ठीक है। 0 से 18 मतलब 0 से 18 में माइनर होता है पर्सन, यहाँ पे माइनर होता है, और 18 से 60 एक नॉर्मल पर्सन होता है, 60 ऑनवर्ड में पर्सन बन जाता है सीनियर सिटीजन, सीनियर सिटीजन। ये तीन एज ग्रुप यहाँ पे जनरली हमारे चलते हैं। अब एक बच्चा पूछ रहा था मुझे, मैंने ये पढ़ाया था पहले वाले बैच में, कि सर आपने तीन एज ग्रुप बताए हैं, यहाँ पे आपने बताया एज 18 से 70 है, तो खुद का दिमाग थोड़ा भी लगाओ। मैं बता चुका हूँ 18 से 70 वाले ही ज्वाइन कर सकते हैं, तो इस चीज का एनपीएस से लेना देना नहीं है। 18 से 70 एज वाले हैं वही ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। 0 से 18 वाले एनपीएस में ज्वाइन नहीं कर सकते। एज ग्रुप जो एज बैंड हमारा जनरली रहता है वो मैंने बताया था, 0 से 18 में पर्सन माइनर होता है, 18 से 60 में एक नॉर्मल पर्सन होता है, 60 ईयर और ऑनवर्ड्स में सीनियर सिटीजन के रूप में उस पे स्कीम्स लागू होना शुरू हो जाती है। एनपीएस ज्वाइन कर सकते हैं 18 से 70 एज वाले, गॉट इट। एनपीएस एम्स टू क्रिएट एन कोरप्स टू एनेबल सब्सक्राइबर फॉर परचेजिंग एन्युटी पोस्ट रिटायरमेंट, पोस्ट रिटायरमेंट के बाद एन्युटी के रूप में ये पैसे एनपीएस जिसने ज्वाइन किया था उसको मिलना स्टार्ट होता है, गॉट इट। यहां तक आया समझ में सभी को? चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो हमने पढ़ा है उसके बेस पे। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को आने चाहिए, क्योंकि जो मैंने पढ़ा है उसी से क्वेश्चन कर रहे हैं। चेक योर प्रोग्रेस। क्वेश्चन नंबर 1, व्हिच इज द पोर्टल फॉर ट्रिपल एस, PMSBY, PMJJBY, APY, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के लिए कौन सा पोर्टल है? पहले हम CBS के माध्यम से करते थे, अब इसके लिए एक अलग पोर्टल लॉन्च कर दिया गया। ट्रिपल एस करते हो तो अब CBS से नहीं होता, वहां से सिर्फ आप इंक्वायरी कर सकते हो। ज्वाइन कौन से पोर्टल से कर सकते हैं बताइए? डिजिटल इंडिया, जन सुरक्षा, जन सूचना, सोशल जस्टिस, फटाफट आंसर कीजिए। यस,
ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जन सुरक्षा पोर्टल से अब ट्रिपल एस स्कीम है, उनको ज्वाइन किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर टू, मिनिमम एंड मैक्सिमम एज फॉर पीएमएसबीवाई। तो मिनिमम एज पीएमएसबीवाई में कितनी रहती है, 18 साल, और मैक्सिमम 70 साल। गोट इट। नेक्स्ट, यहाँ पे एपीवाई अवेलेबल है, अटल पेंशन योजना कहाँ अवेलेबल रहेगी, आरआरबी बैंक में रहेगी क्या, प्राइवेट बैंक में रहेगी क्या, नेशनलाइज्ड बैंक में रहेगी क्या, या फिर सभी बैंक में रहेगी, बताइए एपीवाई कहां अवेलेबल रहती है। तो ऑल अबो इसका करेक्ट आंसर होगा, चाहे कोई सा भी बैंक हो, एपीवाई आप वहां से करवा सकते हो। लेकिन क्या आरबीआई से एपीवाई करवाया जा सकता है? नो, क्योंकि आरबीआई जनरली कस्टमर से डील नहीं करता है, डायरेक्टली कस्टमर के साथ आरबीआई इन्वॉल्वमेंट नहीं करता है, कस्टमर का आरबीआई के साथ डीलिंग नहीं होती है। अगर यहां पे आरबीआई आंसर होता तो फिर वो गलत होता, आरबीआई से आप एपीवाई नहीं करवा सकते, ठीक है। तो कमर्शियल बैंक्स हैं, वहीं से आप एपीवाई परचेज कर सकते हो। हाउ मच पेंशन विल बी रिसीव्ड अंडर एपीवाई, एपीवाई में कितने रुपए की पेंशन मिलेगी, मैंने अभी बताया था, आंसर कीजिए फटाफट। यस, आंसर करें। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। एपीवाई में 5 पेंशन बैंड अवेलेबल रहते हैं, 1000 रुपए का, 2000, 3000, 4000 और 5000 रुपए का। Got it? Next, यहाँ पे देखिए PRAN stands for। अब मैंने आपको बताया कि NPS में एक PRAN number मिलता है। PRAN की full form क्या होती है? Pension Retirement Account Number, Postal Reimbursement Account Number, Permanent Retirement Account Number, Permanent Reimbursement Account Number। Yes, answer कीजिए फटाफट, सभी का सही होना चाहिए। Option number C is the correct answer। PRAN stands for Permanent Account, Permanent Retirement Account Number। APY administered by, APY को कौन administer करता है यहाँ पे? NSTL, CDSL, RBI, PFRD। अब आंसर गलत नहीं होना चाहिए, यहाँ पे देख लेना, जस्ट अभी बताया था मैंने, जो लोग RBI आंसर सोच रहे हैं सोच लेना भाई एक बार। तो PFRDA रेगुलेटरी एजेंसी होती है APY की, पेंशन फंड एंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। PFRDA की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, पेंशन फंड एंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। द PMJJBY पॉलिसी कैन टर्मिनेटेड अंडर द फॉलोइंग कंडीशन। अब PMJJBY पॉलिसी है वो कब टर्मिनेट हो सकती है? क्लोजर ऑफ अकाउंट पे, ऑन अटेनिंग एज ऑफ 55 इयर्स, इनसफिशिएंट बैलेंस इन अकाउंट, या फिर ऑल अबो, बताइए फटाफट। यस, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अकाउंट अगर क्लोज हो गया उसके बाद PMJJBY है वो डिसकंटिन्यू हो जाएगी। अगर 18 से 50 साल एज में अवेलेबल रहती है, किसी की 55 साल की एज है, तो वहां पे PMJJBY है वो डिसकंटिन्यू हो जाएगी, ठीक है। अकाउंट में अगर प्रीमियम डेबिट करने के लिए भी सुफिशियंट बैलेंस अवेलेबल नहीं है, तो अगर आपका प्रीमियम डेबिट नहीं होगा तो पॉलिसी आपकी कंटिन्यू नहीं रहेगी। जिस ईयर में आपका प्रीमियम डेबिट करने के लिए अकाउंट में बैलेंस ही अवेलेबल नहीं था, तो फिर वहां पे आपको इसको बेनिफिट नहीं मिलेगा, कोई मिसहैपनिंग होती है उस केस में। गॉट इट। तो इन सारे केस में PMJJBY टर्मिनेट हो जाएगी। कैन एनीवन ओपन APY अकाउंट विदाउट सेविंग अकाउंट? क्या कोई बिना सेविंग अकाउंट के अटल पेंशन योजना अकाउंट ओपन करवा सकता है? यस, नो सेविंग बैंक अकाउंट इज मैंडेटरी, आइदर ए और बी और बोथ ए एंड बी, फटाफट आंसर कीजिए। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। APY अकाउंट ओपन करवाने के लिए सेविंग अकाउंट होना जरूरी है। सेविंग अकाउंट से ही ऑटो मैंडेट के थ्रू कस्टमर के अकाउंट से जो प्रीमियम अमाउंट है वो डेबिट होता है। APY इंट्रोड्यूस्ड ऑन, APY कब इंट्रोड्यूस की गई थी, बताइए फटाफट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1 जून 2015, और शायद जहां तक मुझे याद है कोलकाता से APY को इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है, 1 जून 2015 को APY को इंट्रोड्यूस किया गया। विच टाइप ऑफ स्कीम इज PMSBY? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, आपको इन सभी के फुल फॉर्म याद होने चाहिए, बी APY, PMJJBY, PMSBY। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना किस टाइप्स की स्कीम है? लाइफ इंश्योरेंस टाइप्स की है, या फिर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है, या फिर दोनों टाइप्स की, या फिर किसी टाइप की नहीं, बताइए फटाफट आंसर कीजिए। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना में आपको लाइफ इंश्योरेंस और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस दोनों का कॉम्बो मिलता है, यहाँ पे दोनों का कॉम्बो मिलता है, ठीक है, जैसे पार्शियल डिसेबिलिटी कवर भी मिलता है और फुल और इरिवोकेबल लॉस भी मिलता है, ऑन डेथ पे भी अमाउंट मिलता है, तो ये लाइफ इंश्योरेंस और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस दोनों का कॉम्बो है। गोट इट। नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए कैन NRI ज्वाइन NPS? यस, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। NRI है वो भी
एनपीएस को ज्वाइन कर सकते हैं, जो फेमा और आरबी की रेगुलेटरी गाइडलाइंस है उनको फॉलो करना चाहिए कस्टमर, तो वो भी एनआरआई को ज्वाइन, एनआरआई है वो भी एनपीएस को ज्वाइन कर सकते हैं। गॉट इट क्लियर यहां तक सभी को? क्वेश्चन नंबर 12, एज लिमिट फॉर एनपीएस। एनपीएस के लिए एज लिमिट क्या है? 18 से 50 साल, 18 से 60 साल, 21 से 60 साल, 18 से 70 साल। आंसर कीजिए फटाफट। यस ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। एनपीएस 18 से 70 साल की एज वाले लोग ज्वाइन कर सकते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एनुअल कवर पीरियड अंडर पीएमजेजेबीवाई? बताइए, पीएमजेजेबीवाई का कवर रहता है, प्रीमियम रहता है, वो किस टाइम से किस टाइम पीरियड के लिए रहता है? 1 जनवरी से 31 दिसंबर, 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 जुलाई से 30 जून और 1 जून से 31 मई। फटाफट आंसर कीजिएगा। यस ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 1 जून से 31 मई तक प्रीमियम अवेलेबल, 1 साल का प्रीमियम पेबल होता है पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई। हु इज द फाउंडर ऑफ पीएनबी? पीएनबी के फाउंडर कौन है? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, भगत सिंह। बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। लाला लाजपत राय हैं, वो पीएनबी के फाउंडर हैं। व्हिच इज द फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस इंटरनेट बैंकिंग इन इंडिया? इंडिया में इंटरनेट बैंकिंग सबसे पहले कौन से बैंक लेके आया था? ऑप्शन नंबर ए आईसीआईसीआई बैंक, ऑप्शन नंबर बी कैनरा बैंक, ऑप्शन नंबर सी पीएनबी और ऑप्शन नंबर डी एचडीएफसी। फटाफट बताइए। यस ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आईसीआईसीआई बैंक ने सबसे पहले इंडिया में इंटरनेट बैंकिंग को इंट्रोड्यूस किया था। गॉट इट? शायद 1994 में इंट्रोड्यूस किया था आईसीआईसीआई बैंक में। बहुत पुराने टाइम से ही आईसीआईसीआई बैंक है, वो इंटरनेट बैंकिंग का कंसेप्ट लेके आया था इंडिया में। यहां तक क्लियर है सभी को? तो ये था हमारा आज का सेशन। सेशन कैसा लगा जरूर बताएं भाई, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर करें, हमें बताएं सेशन आपको कैसा लगा, आप लोगों का रिस्पॉन्स क्या रहता है, उसी के बेस पे हम लोग आगे की क्लासेज हैं वो करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप चीजें आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। गॉट इट? थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।